लेकिन कहा जा रहा मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है। भाई साहब इस देश की आबादी मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं। मैं हूँ मोदी जी के टक्कर में, क्या बात कर रहे हो? बात कर रहे हैं। हाँ मैं हूँ, मैं हरा सकता हूँ मोदी जी को चुनाव। देश का हर युवा मोदी जी को चुनाव हरा सकता है। आप भी मतलब यार फिर क्या मुझे फिर कहना पड़ेगा, आप जैसे पत्रकारों को बैन करना चाहिए। आलिका जनता एक शिक्षित जनता एक ही सवाल करेगा कि 143-144 करोड़ आबादी है हमारे देश की, उसमें आप ये कहेंगे कि मोदी जी के सामने कोई दूसरा नहीं, ये आपने जानते हैं? आप बाकी सारे हिंदुस्तानियों को आपने गाली बताई। मैंने नहीं कहा, ये जब भाजपा वाले कहते हैं, ये भाजपा वाले कहते हैं, भाजपा वाले कहते हैं। आपका ये सवाल बेकार, आप ये सवाल नहीं कर सकते, ये सवाल है ही नहीं, ये किसी काम का सवाल नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर आप स्वदेशी हैं तो G20 का सम्मेलन करके आप चांदी और सोने के बर्तनों में नहीं खिलाते। सनातन का धर्म है, हिंदुत्व का धर्म है, भारत की प्रथा है, केले के पत्ते पे आप खिलाए होते तो हमें भी गर्व होता और उनको भी गर्व होता। जो आज विश्व गुरु बनने का सपना भारत देख रहा है, इंडिया देख रहा है, उस देश में जब कई राष्ट्र अध्यक्ष आए थे उनको भी गर्व महसूस होता कि एक अलग चीज़ हमने देखा, क्योंकि सोना चांदी तांबा पीतल शीशा मिट्टी हर जगह में देखी जाती है और सादगी अगर देखी जाती है तो महात्मा गांधी के देश में देखी जाती है। लेकिन आज कुछ अंधभक्त है वो मोदी को भगवान मान बैठे हैं, मोदी का देश मान रहे हैं। 2014 से भारत, पहले सुन लीजिए पत्रकार महोदय, मोदी का देश मान रहे और वही मोदी को मजबूर होना पड़ा G20 के आए सभी अध्यक्षों के साथ महात्मा गांधी के स्मारक पे जाकर सर झुकाना पड़ा, क्योंकि ये गांधी का देश है ना, वो गांधी रुके थे अंग्रेजों को दौड़ा दिया था और ना ये गांधी रुकेंगे, ये बीजेपी का पतन कर देंगे। क्योंकि बीजेपी 2024 में क्या सबसे बड़ा मुद्दा होगा, महंगाई या फिर जो मुद्दा मोदी जी खुद होंगे? अच्छा मोदी जी खुद होंगे वो कैसे? मुद्दा वही होगा जो 2014 से पहले मोदी जी ने कहा था, वही मुद्दा रिपीट करेगा, जनता सवाल करेगी जो आपने वादा किया था। इस बार उसी मुद्दे पे जनता अपना मतदान करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जनता मन बना। 24 में राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और सुन लीजिए, आज देश को हिंदू मुस्लिम पे घेरा जा रहा है, मस्जिद के नीचे मंदिर, मंदिर के नीचे बुद्ध सभ्यता, और आज डिबेट हो, मैं देख रहा हूँ नेशनल टीवीओं में देर रात के बाद सनातन धर्म क्या होगा? आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से 2024 में बदलाव होगा पक्का। हाँ तो मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी तो घोषणा कर चुके हैं 5 ट्रिलियन वाला देश बनाने जा रहे हैं। ये ऐसा है, पब्लिक को बलगला रहे हैं, लोगों को बलगला रहे हैं, उन्होंने पता लग गया उनके पास CID पहुंच गई कि तुम्हारी कुर्सी खिसक रही है। आपका तो ये टी शर्ट देख के लग रहा है कि आप तो कांग्रेसी हैं, तो आप तो बोलेंगे ही, लेकिन जनता तो मोदी जी के साथ है। जनता भी बोल रही है जनता बोल रही है और खुल के बोल रही है, अभी कुछ दिन के बाद जोर जोर से बोलेगा। अभी समय आ गया है, 2024 में बढ़िया जवाब दिया जाएगा, राहुल गांधी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। अब तक तो इंडिया जो गठबंधन है उसमें कोई घोषणा नहीं हुआ कि कौन फेस होगा प्रधानमंत्री, ये हाईकमान का फैसला होगा, अभी इसमें मतलब है ना विचार चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। सर आपने एक मिनट, ये सवाल जो है ना आपका, मैं समझता हूँ कि ये सवाल जनता के साथ एक संवैधानिक आदमी के लिए अन्यायपूर्ण है। संविधान क्या कहता है कि पहले आप नेता चुनो, नेता अपना नेता चुनेगा वो प्रधानमंत्री होगा, तो ऐसे कैसे बता देंगे कौन प्रधानमंत्री होगा? लेकिन सर अब बहुत सारे जो एंकर का आपने ट्वीट देखा होगा, जो इंडिया जो पहले से घबराई हुई है, बहुत सारे जो टीवी एंकर हैं उनको अभी से बायकॉट करना शुरू कर दिया है, इतनी घबराई हुई है क्यों? भाई इंडिया कहाँ घबराई हुई है, तो फिर बायकॉट क्यों कर रही है इतना बड़े बड़े एंकरों को? अगर आप गलत चीज रिपोर्टिंग करेंगे आपके खिलाफ तो एक्शन लेना पड़ेगा ना। वो तो कह रहा है कि हम बहुत कठोर सवाल करते हैं, यही वजह से डरी हुई है। साहब चोर कभी अपने आप को चोर नहीं कहता। अच्छा, बड़े एंकर है वो चोर है? बिल्कुल। 24 के अंदर में ये पूरे देश की जनता और वर्सेस मोदी का इलेक्शन है, ठीक है, और इस देश के अंदर में बदलाव होने जा रहा है। जिस तरह जब पहले 14 से पहले जब सरकार कांग्रेस की थी तो यही जनता बोलती थी बदलाव चाहिए। मोदी जी के राज में बहुत विकास हुआ है। कौन सा विकास हुआ? मैं बोल रहा हूँ 5 योजना पे बात करो मेरे से। लेकिन जनता कह रही है, जनता तो कह रही है कि राम मंदिर बनाया। आपको पता नहीं है वर्तमान भारत के अंदर में 2018 में आयुष्मान योजना बनी थी, 19 में लागू हुई थी, दिल्ली में अभी लागू हुई है। चलो दिल्ली से स्टार्ट करते हैं, पहले सोचो, अभी लागू हुई है 1.5 महीने पहले।
कौन जवाब देगा? 7 सांसद हैं, एमपी 9 साल बेमिसाल कहा जा रहा है, सड़कों का जाल बिछ गया है। आप सुनिए, सड़कों का जाल पहले ही बिछ रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। सड़कें रिन्यू कर दी हैं, उनको सफाई सफुई करके मेंटेनेंस करके सड़कें बना दी गई हैं। कुछ सड़कें थी जिनका न्यू निर्माण करा गया। कितने एम्स खोले, एम्स के अंदर डॉक्टर कितने प्रोवाइड करवाए, ये सवाल है। नई बिल्डिंग बनाने से, घर बनाने से सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन वो होगा कि उनके घर तक राशन आपने पहुँचाया और पहुँचाया, उसके साथ साथ उनको लाइसेंस दिया तो नहीं दिया। 80 करोड़ जनता है, 80 करोड़ जनता को माननीय मोदी जी बोल रहे हैं मैंने राशन बांट दिया। सारे विपक्षी, सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो रहे हैं, हो गए और इंडिया गठबंधन बना। ऐसा कुछ नहीं, जिसके ऊपर जाँच होती है वो भ्रष्टाचारी हो जाता है और वो चोर होता है। और जो ऐसा भी होता है, लाओ सबके ऊपर जाँच करवाते हैं, एक दिन चल के सभी चोर पाए जाएंगे, फिर कार्रवाई के अंदर बताओ। चलो आप, नमस्कार, इस वक्त हम दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर के जनता क्या सोचती है, क्या लगता है, दो फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे या फिर बदलाव होगा? जनता क्या सोचती है, क्या कहेंगे? अभी जिस तरह से अभी कश्मीर में जो है 3 जो है पुलिसकर्मी यानी DSP और जो जवान कर्नल मेजर वगैरह का जो डेथ होता है और आतंक और कहा जाता है। नमस्कार, हम बहुत दुखी हैं और देश भी आज दुख का शोक मना रही है और श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूं। हम अपने 3 पहले हमारे कर्नल मेजर और DHP जो हैं वो शहीद हुए, आतंकवादियों के निशाने बने। और ये जो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे इतने बड़े पोस्टेड होने के बाद और एक वीरान जंगल में एक मुखबिर द्वारा बुलाना, ये हम कहीं साजिश समझ रहे हैं राजनीतिक पार्टियों का। क्योंकि आज कश्मीर, जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो रोज़ नए खुलासे भ्रष्टाचार के मोदी के उजागर हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं बॉर्डर जो है मजबूती से हमारे कर्नल मेजर रखते हैं और जनता को मजबूती से कंट्रोल करने में DGP का भी अहम मुद्दा है। कहा जा रहा है कि मोदी जी के शासन में तो जो है उनके लाल आंख से जो है चीन क्या पाकिस्तान जो थरथर कांपती है। अभी लद्दाख में आप देखिए चाइना किस तरह से हमारे देश में घुस रहा है, इस विषय पे हमको सोचना चाहिए। चाइना हमारे देश में एकदम दीमक की तरह खा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी उस पर मौन रहते हैं, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि चाइना उनका मित्र है। कहते हैं ना, स्वदेशी बनो, स्वदेशी अपनाओ। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आप स्वदेशी हैं तो G20 का सम्मेलन करके आप चांदी और सोने के बर्तनों में नहीं खिलाते। सनातन का धर्म है, हिंदुत्व का धर्म है, भारत की प्रथा है, केले के पत्ते पे आप खिलाए होते तो हमें भी गर्व होता और उनको भी गर्व होता। जो आज विश्व गुरु बनने का सपना भारत देख रहा है, इंडिया देख रहा है, उस देश में जब कई राष्ट्र अध्यक्ष आए थे उनको भी गर्व महसूस होता कि एक अलग चीज़ हमने देखा। क्योंकि सोना चांदी तांबा पीतल शीशा मिट्टी हर जगह में देखी जाती है और सादगी अगर देखी जाती है तो महात्मा गांधी के देश में देखी जाती है। लेकिन आज कुछ अंधभक्त है वो मोदी को भगवान मान बैठे हैं, मोदी का देश मान रहे हैं। 2014 से भारत, पहले सुन लीजिए पत्रकार महोदय, मोदी का देश मान रहे और वही मोदी को मजबूर होना पड़ा G20 के आए सभी अध्यक्षों के साथ महात्मा गांधी के स्मारक पे जाकर सर झुकाना पड़ा। क्योंकि ये गांधी का देश है ना, वो गांधी रुके थे अंग्रेजों को दौड़ा दिया था और ना ये गांधी रुकेंगे, ये BJP का पतन कर देंगे। क्योंकि BJP ने 9-10 साल में जितना नफरत फैलाया है उतना आज तक किसी देश में नहीं फैला होगा। कारण आज सनातन 24 में कौन मोदी जी आ रहे हैं 2024 में, गारंटी के साथ कहता हूँ, ये हर कार्यकर्ता कहता है, ये हर किसान की जबान है, किसान जवान युवा सबकी ये अपना लक्ष्य है कि 2024 में राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और सुन लीजिए, आज देश को हिंदू मुस्लिम पे घेरा जा रहा है, मस्जिद के नीचे मंदिर के नीचे बुद्ध सभ्यता, और आज डिबेट हो, मैं देख रहा हूँ नेशनल TVओं में देर रात केवल सनातन धर्म। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? क्या लगता है, क्या कहेंगे 2024 में बदलाव? हाँ जी, 2024 में हम तो यही कहेंगे जो भी सरकार आएगा, राहुल गांधी भी ठीक है, मोदी भी ठीक है, ठीक है, 5 साल की चुनाव है, जो भी आएगा ठीक रहेगा हमारे लिए। तो ये फालतू बात करने से, सबसे बड़ा खुलासा ये करने जा रहा हूँ,
कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह एक सांसद भी है गुजरात के, और उन्होंने जो गांव गोद लिया था आज उस गांव की दुर्दशा जो है वहां पे गंदे नाले कच्चे घर, उस गांव की जनता फरियाद कर रही है, लेकिन फरियाद ना हमारे देश के प्रधानमंत्री सुन रहे हैं ना गृह मंत्री सुन रहे हैं, और उसको हिंदुस्तान का पहला दर्जा उस गांव को देने का काम किया, तो क्या इसी को हम अखंड भारत और विश्व गुरु मान ले? ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे? बहुत सारी जनता कह रही है कि महंगाई जितना भी हो जाए, पेट्रोल की कीमत 1,000 रुपये लीटर भी हो जाए, तो अभी देश के लिए मोदी नहीं तो योगी चाहिए। भैया ये तो उनकी सोच है, उनकी सोच को आप नहीं बदल सकते। अब सवाल यह है कि ये बात उनके दिल में कहाँ से आ रही है, वो समझने की चीज़ है, तार्किक चीज़ है। हम उनका विरोध नहीं कर सकते, हमारी एक सीमा है। जो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी महंगाई कहाँ है, महंगा पेट्रोल होगा तब भी हम लेंगे। महंगाई तो समय समय से बढ़ता आया है भाई। जब ये कितना परसेंटेज होगा इसका, ऐसा बोलने वाले कितने परसेंट होंगे? मैं समझता हूँ 0.00005% भी नहीं होंगे, 1% भी नहीं होंगे। उसके लिए हम अपनी मनसा है, जो हमारी सोच है, हम बदल थोड़ी सकते हैं बिल्कुल। क्या कहेंगे 2024 में बदला होगा? हाँ पक्का होगा, आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से 2024 में बदलाव होगा। बदलाव होगा पक्का। हाँ तो मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी तो घोषणा कर चुके हैं 5 ट्रिलियन वाला देश बनाने जा रहे हैं। ये ऐसा है, पब्लिक को बलगला रहे हैं, लोगों को बलगला रहे हैं, उन्होंने पता लग गया उनके पास CID पहुंच गई कि तुम्हारी कुर्सी खिसक रही है। आपका तो ये टी शर्ट देख कर लग रहा है कि आप तो कांग्रेसी हैं, तो आप तो बोलेंगे ही, लेकिन जनता तो मोदी जी के साथ है। हाँ, जनता भी बोल रही है, जनता भी बोल रही है, अब जनता भी बोल रही है, जनता बोल रही है और खुल के बोल रही है। अभी कुछ दिन के बाद जोर जोर से बोलेगा, जोर जोर से बोलेगा। अभी समय आ गया है, 2024 में बढ़िया जवाब दिया जाएगा। क्या लगता है कि जो 2024 में जो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? नहीं 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 नहीं, राहुल गांधी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। अब तक तो इंडिया जो गठबंधन है उसमें कोई घोषणा नहीं हुआ है कि कौन फेस होगा प्रधानमंत्री। ये हाईकमान का फैसला होगा, अभी इसमें मतलब है ना विचार चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। सर आपने एक मिनट, ये सवाल जो है ना आपका, मैं समझता हूँ कि ये सवाल जनता के साथ एक संवैधानिक आदमी के लिए अन्यायपूर्ण है। संविधान क्या कहता है कि पहले आप नेता चुनो, नेता अपना नेता चुनेगा वो प्रधानमंत्री होगा, तो ऐसे कैसे बता देंगे कौन प्रधानमंत्री होगा? लेकिन सर अब बहुत सारे जो एंकर का आपने ट्वीट देखा होगा, जो इंडिया जो पहले से घबराई हुई है, बहुत सारे जो टीवी एंकर हैं उनको अभी से बायकॉट करना शुरू कर दिया है, इतनी घबराई हुई है क्यों भाई? इंडिया कहाँ घबराई हुई है, तो फिर बायकॉट क्यों कर रही है इतना बड़े बड़े एंकरों को? अगर आप गलत चीज रिपोर्टिंग करेंगे तो आपके खिलाफ तो एक्शन लेना पड़ेगा ना। वो तो कह रहा है कि हम बहुत कठोर सवाल करते हैं, यही वजह से डरी हुई है। भाई साहब चोर कभी अपने आप को चोर नहीं कहता। अच्छा, सीधी सी बात, बड़े एंकर है वो चोर है? बिल्कुल। ऐसा कैसे लग रहा है भाई? आप यहाँ पे सुधीर चौधरी की कहानी, उसने क्या दिखाया था कर्नाटक में पता है ना? कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को 50% सब्सिडी दे रहा है कांग्रेस, बाकी को नहीं दे रहा है। ये कितना सरासर झूठ है, इस पर केस नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? 2024 के अंदर में ये पूरे देश की जनता और वर्सेस मोदी का इलेक्शन है, ठीक है, और इस देश के अंदर में बदलाव होने जा रहा है। जिस तरह जब पहले 14 से पहले जब सरकार कांग्रेस की थी तो यही जनता बोलती थी बदलाव चाहिए। मोदी जी के राज में बहुत विकास हुआ है। कौन सा विकास हुआ? मैं बोल रहा हूँ 5 योजना पे बात करो मेरे से। लेकिन जनता कह रही है, जनता तो कह रही है कि राम मंदिर बनाया। आपको पता नहीं है वर्तमान भारत के अंदर में 2018 में आयुष्मान योजना बनी थी, 19 में लागू हुई थी, दिल्ली में अभी लागू हुई है। चलो दिल्ली से स्टार्ट करते हैं, पहले हम सोचो आप, अभी लागू हुई है 1.5 महीने पहले, कौन जवाब देगा? 7 सांसद हैं MP 9 साल में मिसाल कहा जा रहा है, सड़कों का जाल बिछ गया है। तो आप सुनिए, सड़कों का जाल पहले ही बिछ रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। सड़कें रिन्यू कर दी हैं, उनको सफाई सफुई करके मेंटेनेंस करके सड़कें बना दी गई हैं। कुछ सड़कें थी जिनका न्यू निर्माण करा गया, कितने एम्स खोले, एम्स के अंदर डॉक्टर कितने प्रोवाइड करवाए, ये सवाल है। नई बिल्डिंग बनाने से, घर बनाने से सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन वो होगा कि उनके घर तक राशन आपने पहुँचाया, और पहुँचाया उसके साथ साथ उनको लाइसेंस दिया तो नहीं दिया। 80 करोड़ जनता
लगाया, 80 करोड़ जनता को माननीय मोदी जी बोल रहे हैं मैंने राशन बांट दिया। सारे विपक्षी सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो रहे हैं, हो गए और इंडिया गठबंधन बना। ऐसा कुछ नहीं, जिसके ऊपर जाँच होती है वो भ्रष्टाचारी हो जाता है और वो चोर होता है। और जो ऐसा भी होता है, लाओ सबके ऊपर जाँच करवाते हैं एक दिन चल के, सभी चोर पाए जाएंगे फिर कार्रवाई के अंदर। बताओ चलो आप, ये तो क्या लगता है 2024 में क्या सबसे बड़ा मुद्दा होगा, महंगाई या फिर जो मुद्दा मोदी जी खुद होंगे? अच्छा, मोदी जी खुद होंगे। वो कैसे? मुद्दा वही होगा जो 2014 से पहले मोदी जी ने कहा था, वही मुद्दा होगा रिपीट करेगा, जनता सवाल करेगी जो आपने वादा किया था। इस बार उसी मुद्दे पे जनता अपना मतदान करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जनता मन बना चुकी है। लेकिन कहा जा रहा है मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है। भाई साहब, इस देश की आबादी एक मिनट, मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है। मैं हूँ मोदी जी के टक्कर में, क्या बात कर रहे हो? बात कर रहे हैं? हाँ मैं हूँ, मैं हरा सकता हूँ मोदी जी को चुनाव? देश का हर युवा मोदी जी को चुनाव हरा सकता है? आप भी मतलब यार, फिर क्या भाई जब मैं ये मुझे फिर कहना पड़ेगा, आप जैसे पत्रकारों को बैन करना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? कोई सवाल अगर कठोर सवाल कर ले तो बैन करना चाहिए चक्कर में, क्यों नहीं है? एक मिनट के लिए मैं बता, द इंडियन खबर, सच आपके सामने।